हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए मेन कोर्स रेसिपी लेके आई हूँ, पनीर बटर मसाला की रेसिपी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें पैन में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और अराउंड ये ऑयल डालेंगे। इसको थोड़ा सा देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज हैं ये काटे हुए, जैसे भी लंबे लंबे काट लीजिए, बाद में इनको पीसना ही है हमने। इनको हमें ब्राउन नहीं करना है, इनको हमें बस ट्रांसपेरेंट करना है। ये प्याज हम रख देंगे, इसके साथ इसमें डालेंगे 6 से 7 ये लहसुन की कलियां डालेंगे, 2 छोटी इलायची डालेंगे, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 4 से 5 ये लौंग डालेंगे इसमें। दो लाल मिर्च डाली है साबुत मैंने और 1 इंच अराउंड ये अदरक का टुकड़ा है। इसको हल्का सा 1 मिनट हम कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, देखिए काजू, 8 से 10 काजू इसमें हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टूटा काजू भी यूज कर सकते हैं। अब इन सबको हम 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सॉटे कर लेंगे, ये देखिए अब हो गए हैं प्याज। अब इस टाइम पे मैं 2 मीडियम साइज के प्याज टमाटर डाल दूंगी, 2। ये मैं आपको जो बता रही हूँ 200 ग्राम्स पनीर का बता रही हूँ। इसके पे देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक इसको कवर करके रख देंगे, टमाटर को गलने देंगे। देखिए 7-8 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से देखिए गल गए हैं। इस टाइम पे हम गैस बंद कर लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हमें इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के हमें इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। चलिए अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं और इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं। देखिए ये ठंडा हो गया, तो मैंने इसको जार में डाल दिया है और इसको हम महीन पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। कि जार में थोड़ा सा मसाला था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरीके से हम सारा इसको पूरा अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए पूरा मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब चलिए हम आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। अभी हम इसको साइड में रख देंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पैन गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, उसमें हम अराउंड 1 स्पून ये ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और एक उतना ही बटर डालेंगे। और उसमें हम डाल देंगे 1 फाइनली चॉप्ड अनियन। साथ हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 हरी मिर्च कटी हुई। इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसको हमें डार्क ब्राउन करना है, अब हम लाइट नहीं, हमें ट्रांसपेरेंट नहीं करना है। अब इसकी हम फाइनल ग्रेवी बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला की, तो हमें इसको अच्छे से
ब्राउन कर लेना है। इसमें 2 से 3 मिनट आसानी से लगेंगे। चलिए अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे। हमारे 2 मिनट मैंने करे, प्याज अच्छे से हो गए। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, अराउंड 1 स्पून इसमें पड़ जाएगा सॉल्ट पड़ जाएगा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पड़ जाएगा इसमें, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डल जाएगा इसमें, और 1/2 टीस्पून ये मैं अब कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यूज करी है क्योंकि तीखा ऑलरेडी, मैं लाल मिर्च भी आपने देखा था मैंने साबुत डाली है और अभी हरी मिर्च भी डाली है। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। आपको बता, मैं कई बार पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप ये हल्दी नमक मिर्च डाल रहे हैं और इसको अच्छे से भुनेंगे नहीं तो उससे भी सब्जी का फिर स्वाद नहीं आता है, इसका भी भुनना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हल्का सा इसको हमने भून लेना है। अब इस टाइम पे हम इसमें ये जो हमारा ग्रेवी तैयार हुई थी इसको हम डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कितना आपको करना है। आप लोग को लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड कर सकते हैं इसको, पर पहले हम अच्छे से भून लेंगे इसमें, जैसे जब घी छोड़ जाए पहले इसको मसाले को। ये देखिए हमारा मसाला भून गया है, देखिए अच्छे से इसने घी भी छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ठीक हो गया है। अब सॉल्ट वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, सॉल्ट आप चेक कर लीजिएगा एक बार ही। कि थोड़ा सा हमें रखना है क्योंकि अभी हम इसको और पनीर भी डाल के बॉईल करेंगे। अराउंड 1 कप मेरा 3/4 कप अराउंड पानी डाल दिया है मैंने इसमें, आप देखिए। अब इसको एक अच्छे से उबाला दे लेते हैं हम। देखिए इसमें एक अच्छा सा 1 मिनट मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें, ये देखिए 200 ग्राम्स मैंने आपको पनीर बताया था वो मैं छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं, तो आपको जिस हिसाब से काटने हैं आपने छोटे बड़े आप उस हिसाब से काट लीजिएगा। अब इसके बाद इसको हम स्लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कवर करके ढक देंगे कि पनीर अच्छे से उसमें ग्रेवी जो है रस जाए। तो हम 2 मिनट इसको अच्छे से पनीर के साथ ग्रेवी को बॉईल कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए, चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब इस टाइम पे हमने इसमें डालना है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। हमारा पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी हो गया खाने के लिए। बस अब इस टाइम पे हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। बनाना बहुत आसान है और बनता बहुत ही टेस्टी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। चलिए मैं इसको अब सर्व कर देती हूँ। फ्रेंड्स पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपका कैसा बना। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उनको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।